अब उसके बाद में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और आज हसब दस्तूर हमारे साथ होंगे साइंटिस्ट जो है सोशलिस्ट हैं, साइंस के सोशलिस्ट जो है जनाब जुनेद कैसर साहब, सियासी सूझबूझ के खालिक हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मान है। आज फिर हमारे साथ वो जो चल रहा है मामला पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और कुछ चीजें और भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं जनाब जुनेद कैसर साहब, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। जी जुनेद कैसर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सही आ रही है जी, एग्जैक्ट जी, शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं जी जनाब जुनेद कैसर साहब, हम उनको सलाम पेश करते हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो हालातों बात क्या चल रहे हैं, ये जो सियासी तौर पे उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वहां पे जो पार्लियामेंट लॉजर्स में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, कुछ और भी करेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई की, जो कप्तान साहब किन मराहल से गुजर रहे हैं और वो अखलाकी तौर पे कितने क्यों गिरते जा रहे हैं और वो किसको न्यूट्रल कह रहे हैं, हम ये भी आज इनसे जानेंगे और हम इनसे और भी कुछ मालूमात लेंगे। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं, जुनेद कैसर साहब को वेलकम करते हैं। इससे पहले हम इनकी तरफ बढ़े मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अभी तक जो मेरे दोस्त मुझे पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो मुझे देखते हैं, जो पुराने हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को DGABKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और कॉमेंट्स नहीं दिए, वो जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी मालूमात आपको दे सकूं और पाकिस्तान के अंदर दुनिया के अंदर जो हो रहा है वो आप तक पहुंचा सकूं जी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम एक बार फिर आपको जुनेद कैसर साहब, आप हमारे साथ होते हैं और हमें पाकिस्तान की वो मालूमात हमें फ्राहम करते हैं जो हर शख्स का जानना जरूरी है, जो थोड़ा भी कोई शौर रखता है, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जो इंसान से प्यार करता है, जो दुनिया से प्यार करता है, वो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि अब आप हमारे व्यूअर्स के लिए, देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए अब अपना वतन निकालते हैं, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं, आपको वेलकम करते हैं। जी जुनेद कैसर साहब जी, शुक्रिया परवेज रोशन साहब। जैसे आपने ये सारा बताया पाकिस्तान का सिनेरियो, तो इसमें मैं अर्ज करना ये चाहूँगा कि मैंने पहले भी ये कहा था कि इमरान खान जो हैं वो फैशिस्ट नज़रियात रखते हैं, वो जमहूरी आइनी जो तकाजे होते हैं, जो एक रियासत को, मॉडर्न रियासत को चलाने के लिए होते हैं, उस पर यकीन भी नहीं रखते और उसको वो मतलब अंडरमाइन भी करते हैं, कमतर भी समझते हैं और समझते हैं कि जो इस पे इसको फॉलो करते हैं वो उनके नज़दीक जो है वो सही अमल नहीं कर रहे। तो इसमें आप देखें कि ये जो जमहूरी पार्टीज़ होती हैं ये एक इक्तदार में आती हैं, वोट आउट होती हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्शन हार जाती हैं, फिर इंतखाब में आती हैं और ये किस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। यूके में कब लेबर पार्टी कभी आ गई, कभी कंजर्वेटिव पार्टी आ गई और कभी मखलूत हुकूमतें आ गई, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो सफर होता है वो खत्म नहीं होता। अमेरिका में भी आप देखें कि रिपब्लिकन पार्टीज कभी इक्तदार में आ जाती हैं, ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, अब डेमोक्रेट जो हैं उनके जो बाइडन है, तो इस तरीके से ये अमल जो है ना चलता रहता है। अब लगता ये है कि इमरान खान समझते हैं कि हर जो भी डिक्टेटर होता है ना वो ये समझता है कि मैं ही हूँ जो सारा निज़ाम चला सकता है और मेरे बाद जो है ना दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं ही अच्छाई का एक सिंबल हूँ, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मेरे साथ जो है वो इदारों को खड़ा होना चाहिए। इदारों ने तो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक चलना है, जो उनका आइन में जिक्र है, जिस तरीके से जो उनकी हदूदो कयूद जो है वो डिफाइन की गई है उसके मुताबिक चलना है। अब एक दिन पहले जो है वो स्टेटमेंट आती है DGISPR, कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमें घसीटा ना जाए। जाहिर बात है जब सियासत में उनको घसीटा जाता है तो इदारे मुतनाज़े होते हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं होते, वो तो रियासत के इदारे होते हैं, उन्होंने रियासत के मुफादात को देखना होता है और एक अपनी जो उनके हदूद जाब्ते का जो है आइन में दर्ज है उन्होंने उसके मुताबिक ऑपरेट करना है। अगर आप देखें कि फौज या इलेक्शन कमीशन या
जुडिशरी या बाकी बिगर भी जो इदारे हैं, वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग पड़े तो वो तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। उससे तो माशरे में एक अजीबोगरीब किस्म की कशीदगी पैदा होगी। अब वो कह रहे हैं कि जानवर जो है वो न्यूट्रल होता है। मैं तो नहीं समझता कि जानवर भी न्यूट्रल होता है। जानवर अगर आप मिसाल के तौर पे, मैं ये सोच रहा था कि अगर इमरान खान पे कोई हमला करे या वो किससे गुत्थम गुत्था हो, तो उनका जो कुत्ता है मोटू, वो आप क्या समझते हैं कि वो गैर जानिबदार रहेगा? तो जाहिर बात है इमरान खान पे जो हमलावर होगा वो वो ये कंफर्म कर हमला ले, वो दे। ये कंफर्म कर ले वो मोटू है या शेरू है। अच्छा जी, जो भी उसका नाम, मुझे जो भी उसका नाम है, तो असल में ये तो वैसे लाइटर नोट पे मैंने बात की। जी, इदारों को जो है वो अपने आइन के जो हदूद और कयूद है, जो जाब्ते उनको दिए गए, उन्होंने उसी के तहत ऑपरेट करना है, उसी के तहत काम करना है। अब ये नहीं हो सकता कि उनके खिलाफ एक तहरीके अदम एतमाद आई है जो कि आईनी कानूनी तकाजे पूरे करके आई है, और जिसको ये जाब्ते के मुताबिक करार भी दे दिया गया है। उसमें जो है उनकी मदद जो है वो रियासती इदारे का कोई सरबराह करे, ठीक है, वो उनको फोन करे, उनके अपने बंदों को फोन करे या इत्तेहादियों को फोन करे कि भाई जी आपने इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम बनानी है। तो ये तो डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, ये तो आइनी तकाजों के खिलाफ है कि आप जो है, इमरान खान तो खुद इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं कि जी मैंने न्यूट्रल अंपायर जो है वो मुतारफ करवाए हैं क्रिकेट में, फिर वो ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन जो हुए हैं वो न्यूट्रल सेटअप के तहत हुए हैं और मैं जो हूँ वो एक जायज हुक्मरान हूँ। अगर उसमें ये बात तस्लीम कर ली जाए कि इदारे न्यूट्रल नहीं है, तो फिर तो जो इमरान खान के खिलाफ मुखालफीन कह रहे हैं उनकी बात दुरुस्त साबित हो जाती है कि ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो इदारों ने जब न्यूट्रल होंगे तो फिर ही कोई किसी का इलेक्शन होगा ना। अगर इदारे जो है वो न्यूट्रल नहीं है, एक खास पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है वो सिलेक्शन हो गई, ठीक है ना। वो जमहूरी और जो इंतखाबी जो प्रोसेस है वो सबोताज हो गया, और उसकी जगह जो है एक रियासती इदारों ने एक शख्स को अवाम की मंशा के बगैर और वोट की जो एक सेंसिटी है और जो एक लाहे अमल है, तरीका कार है इंतखाब का, उसको जो है नजरअंदाज करके एक जो रियासती इदारे है इदारा है उसने जो है मुंतखिब करवा दिया, उसने सेलेक्ट करवा दिया एक हुक्मरान को। तो ये मैं समझता हूँ कि वो अब इस हद तक गिर गए हैं कि वो इमदाद मांग रहे हैं रियासती इदारों से कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप मेरी साइड पे आए, मुझे सपोर्ट करें, मैं अच्छाई का सिंबल हूँ, मैं अगर रहूंगा तो पाकिस्तान बचा रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खसारे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान जो है इन गुज़श्ता 3 सालों में जिस अजाब से गुजरा है, वो आप यहाँ पर आगे आवाम से पूछे, महंगाई का क्या हाल है, और पाकिस्तान के जो है रिकॉर्ड कर्जे जो है इस हुकूमत में लिए गए हैं, डॉलर की ये बात कर रहे थे, डॉलर कह रहे थे कि जी ट्रंप ने मेरी बड़ी इज्जत की और उन्होंने कहा कि ये 2 नंबर बंदा नहीं है। तो अब के जो अच्छा हुक्मरान है वो इनको 2 नंबर बंदा समझ रहे हैं, जो बाइडन इस वजह से फोन नहीं कर रहे कि वो इनको दो दो नंबर बंदा समझ रहे हैं। अभी वो खिताब कर रहे थे आफ्ताबाद में। अभी तो आपको मेरा ख्याल है ये, मैं फिर आप इसका मतलब तो अंदाजा ये करें, हुआ कि मैं आपको ना थोड़ी सी बड़ी मजे मजे दुनिया आप जानती भी है, मैं थोड़ा बहुत दुनिया जानती है। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो जो बैडन साहब है ना, वो बड़े एक जीरो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने जिंदगी गुजार दी पार्लियामेंट में, कांग्रेस में। वो उनका एक बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का। अब मजे की बात यह है, वो अक्सरियत का जो वहां पे नजरिया है ना, रिलीजन मजहब का, वो नहीं रखते। मसलन वो रोमन कैथलिक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो प्रेसिडेंट है, जो बैडन साहब है, वो रोमन कैथलिक है। अब उनकी तो आप बात ना करें, वो तो एक स्टेबलिश्ड और बड़े मॉडर्नाइज, वो तो एक कमाल की दुनिया है ना। अमेरिकन लोग जो बड़े बड़े लिखे हैं, वो कुर्बानी देना भी जानते हैं, चीजों को समझना जानते हैं, और इसीलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं, और इसीलिए वो खुदा ने उनको बरकत भी दी हुई है। अच्छा, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब ये अंदाजा करें इनमें, और वो देखें तो समान जमीन का फर्क है ना। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनके उनके चर्च की नहीं है। अब ये बात समझे, अब ये बात देखें, वो प्रोटेस्टेंट है। तो ये तो, लेकिन जो कानून का मसला है, जो आयन का मसला है, उन्हें अमेरिकन कानून
कानून कायम मौजूद है और इन लोगों को क्या चीज है, वो किसी को न्यूट्रल कह रहे हैं, किसी को डीजल कह रहे हैं, किसी को मतलब ये क्या। हालांकि मैं इस पराये में बात कर रहा हूँ कि जो मजहबी पराये की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें अपने चलो ये किसी जिस भी मसलक से है, जिस मजहब से भी इनका अकीदा है, मुझे नहीं इससे कुछ पता, लेकिन दूसरे बंदे की आपकी इज्जत करनी चाहिए, आप उन्हें अच्छे उसको किसी ऐसे लकाब से मत बुलाएं कि उसकी दिल अदारी। और फिर आपकी सेज पे आप कह रहे हैं जी मैं और मौलाना डीजल एक उम्र में गुजरा है, फिर आपने मौलाना भी कह रहे हैं डीजल भी कह रहे हैं, तो ये चीजें मतलब तो अगर आर्मी चीफ ने ये कह दिया है जी उनको आप ये ना कहें उनकी इज्जत के हवाले से, तो वो एक रिलीजन सेक्टर में उनकी एक बड़ी इज्जत है और बड़े वजादार आदमी। मैं मेरी उनसे कुछ बहुत पहले मुलाकात हुई जो मोहतरमा के वजीर बेनजीर भुट्टो साहब के एक मामले खसूसी थे, तो वो तबाक से मेरे बड़े बहुत ही मेरे भाई थे, तो तब वहां आते थे ये मौलाना साहब, ना जो मखदूम अमीन साहब मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन के उस दौर की बात है, तो इतनी इनकी इज्जत होती थी, इतने आराम से इनको बिठाया जाता था सेक्रेटेरिएट में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी। तो ये तो जवाबदारी देखिए, जब तक आप करते नहीं अपने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप इज्जत नहीं देते, जो पाकिस्तान देखे यही तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है साहब, कि जो लोग पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल पर उनका हक है, और वो जो जुडिशरी है वो उन सबके लिए, पार्लियामेंट है सबके लिए। अब आपने अपनी सहूलत के लिए, आप अपनी ताकत के लिए और अपने आप रूलिंग जो आपका टाइम है, जो आपका रजीम है, इसको आप धक्का देने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हो, प्रोसिक्यूट भी कर रहे हो, तो ये एक बड़ा, और ये कब समझेंगे दुनिया कितनी तरक्की कर गई और ये कहां पे कहां खड़ी, अब ये अंदाजा करो। अगर इनको कोई पूछे यही सवाल इनसे कर दिए जाए, इन्हें को जब वो यो कहता है वो यहूदियों का बच्चा, तो फिर इन्हें बड़ी परेशानी होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना जी, अगर वो उनको फायर करता है, जवाबी काउंटर करता है, तो फिर ये बड़े कहते हैं जी मुझे वो इसके होते हुए मुझे यहूदियों की बहादुरत की जरूरत नहीं है। दोनों को ठीक है, सियासत है ना उनका काम, लेकिन किसी की जाति जिंदगी पे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जातियात पे ही हमले हुए हमेशा, इन्होंने काम नहीं किया। और कई दिनों से आप ये अंदाजा करें, जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, ये धारी चल रही है, और जो तरक्की जो काम वो सब खत्म। असल इनका टारगेट यही होता है जनेश साहब, जो इन्होंने लोगों की तवज्जो महंगाई की तरफ और कामों की तरफ, अकलीतों की तरफ, तलीम की तरफ, सेहत की तरफ, इंटरनेशनल जो फॉरन पॉलिसी है उसको इन्होंने वो टाइम निकालना होगा, तो फिर कोई ना कोई ऐसी चीज खेलते हैं सारी पार्टियां, यही के एक सब करते थे ऐसे, ये भी ऐसे कर रहे हैं, कोई पीका ले आते हैं, वो जब लाए थे तो बड़ा अच्छा था, अब वही उनके खिलाफ हो गए, वो पीका कानून के खिलाफ। तो अब ये बताएं जब अदालतें कह रही वो कानून गलत था, तो जो लोग उसकी जद में आए हैं, हाईकोर्ट कह रही उन्हें क्लियर करो, हाईकोर्ट ने ऐलान कर दिया लाहौर हाईकोर्ट में उनको नहीं कर रहे क्लियर, बताएं मुझे, तो ये करते जुडिशरी का एहतराम। अभी पिछले हफ्ते भी सारी वो पड़ा हुआ सब कुछ, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि जी जो लोग इसके जद में आए हैं उनको उनके तमाम मामला, किसी का अगर पासपोर्ट है वो क्लियर करो, किसी को पकड़ा हुआ है उसको छोड़ो, जब वो कानून ही वो नहीं हो रहा तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ रहे। ये है हठधर्मी जो भी गुमराह करता है जनेश साहब, और इन्होंने जो किया है और एक अदारे को एक मुतनाजा बनाना, ये इनके लिए एक अच्छा, देखो जिन्होंने वो पहले कहते थे जी वो मेरे साथ है, मैं उसको एक्सटेंशन नहीं दे सकता, मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो पेशावर वाले साहब हैं बड़े हम चलो उनका नाम नहीं लेते, तो ये क्या चीजें हैं। फिर वो एकदम उनको कह रहे थे न्यूट्रल जानवर होते, तो जानवर उन्होंने एक बंदे को कहा है या सबको कह दिया, अदारे को कह दिया, इनके होते हुए लेकिन उससे हमें कोई नहीं, हम सच बात कहते हैं जो हमारा
हमारा जमीर है, जो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है उस पर तो हम कायम है कायम रहेंगे। हमें उसके नुकसान से कोई सरोकार नहीं, हम दुनिया में आए ही जाने के लिए। जी जुनेद साहब। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि वो इनके होते हुए क्या जरूरत है कि कोई गैर मुल्की साजिश करे, जब ये खुद ही इस तरीके के कह रहे हैं। अब पहले वो बंदूक की नशिस्त पे रखा हुआ था उन्होंने साबिक सदर जरदारी साहब को, अब ये कह रहे हैं कि मैं खुद कुछ बम्बारमेंट कर दूंगा, खुद कुछ जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होंगे जो दीन और दुनिया के खिलाफ होंगे। अब इसका जो है डिटरमिन कौन करेगा कि कौन जो है खिलाफ है? मेरे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपके नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये हक तो नहीं है कि वो जाके उसको खुदकुश बम्बारमेंट बन जाए। तो पहले दुनिया आपको पहले ही इस मैं एक नजर से और देख बात रही है। जुनेद साहब आपको और बात बता दूं, जो उन्होंने ये बात की है ना जरदारी साहब के बारे से, जो उन्होंने सेंटेंस बोला है, मेरे पास इसके ऊपर 5 से 7 मिनट के आर्गुमेंट है कि वो उनका सेंटेंस ही गलत था। ये आप अंदाजा लगा जी उनका, उनकी वो तो कहते हैं बिलावल को उर्दू सिखाओ, उनकी अपनी उर्दू ही खराब है ये सारी। मैं 5 से 7 मिनट इस पे बोल सकता हूँ कि कहाँ कहाँ उन्होंने वो जो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और सारे के सारे गलत किए हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। सही जी। तो हाँ, ठीक अगर है, उनको इतनी उर्दू से है तो वो उर्दू नहीं अपने खुद तो बच्चों को ठीक करें, सिखाएं। नहीं नहीं खुद तो ठीक करें, बच्चों को छोड़ें, अपनी इसी में जो उन्होंने ये बोला है ना सेंटेंस बोला है, उन्होंने फिकरा बोला है ना, इसको आप जो आप पता क्या हुआ है, हुआ क्या है, हम आपको बताता हूँ। जो चूंकि इनके सारे मीडिया पे इन्हीं के लोग बैठे वो उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, उन्होंने उसने क्या कहा है, उसको खुद कौन सी उर्दू आती है, हमें नहीं पता। ये सारी बातें हैं सारी ऐसे, लेकिन वो उसने बिलावल पे अपनी तो इसी पे अपनी बात तो ठीक करे। अब इस पे चंद एक लोगों ने की है, मेरी तरह के कुछ और होंगे चंद लोग, ठीक है उन्होंने ये बात की, लेकिन उस पे चूंकि उनके कंट्रोल में है सब कुछ, तो इसलिए वो बाहर नहीं बात आई। जो मैं कह रहा हूँ वो सारी सारी लाइन ही गलत है सर, जो उसने उन्होंने बोली है सुल्तान साहब। जी अब आगे चलते हैं। जी, मैं ये कब ये इसमें ये मैं कहना चाहूंगा, गुजारिश ये करना चाहूंगा कि मैंने इमरान खान साहब का इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो सीखने सिखाने के अमल से अब गुजर चुके हैं, उनका दिमाग जो है माफ हो चुका है। ठीक है, वो अब जिस तरीके से वो फजल रहमान साहब ने उनके बारे में कहा है कि वो हो गए हैं, ठीक है, तो मैं कहना नहीं चाहता। तो आप मतलब जब वो सीखने सिखाने से आगे जा चुके, आप बच्चों को सिखा दें, वो जरदारी साहब को कह रहे हैं अपने बच्चों को नहीं सिखा सके, तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को सिखा दें, जो वो कह रहे थे कि 2 साल के अंदर अंग्रेज जो है वो सीख लेता है, वो उर्दू सीख लेता है, ठीक है। तो ये है सूरत हाल। तो अब ये है कि अब उनके पास अपनी स्ट्रेंथ भी खत्म हो गई है, अब वो अपने कारकुनों अपने मेंबरान असेंबली को जो है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे, लोग बिखर रहे हैं, और उनको मतलब उनको डी चौक में जो लाखों लोगों को बुला रहे हैं, तो वो अपने बंदे ही ले आए 172 इकट्ठे कर लें, ठीक है, अपने मेंबरान को ही हाँ बुला लें। जी वो लाखों जी ला रहे हैं तो तो उनको ले काम ला इस रहे हैं। जी, जो ठीक वो है, 172 ही लोग ले हैं, अपने इत्तेहादियों को ले हैं, इत्तेहादी भी अब कह रहे हैं कि हम हमारे साथ हम कोई बच्चे नहीं है कि हम इन बातों में आ जाएंगे, और MQM और काफली कह रहे हैं कि हमें इन पे भरोसा नहीं, बाप इन्होंने कहा शेख रशीद ने वहां पर जाकर के बाप हमारे साथ इंटैक्ट है, तो जाम कमाल जो साबिक CM है वहां के, उन्होंने कहा कि इसका फैसला जो है बाप का वो हम खुद करेंगे, शेख रशीद नहीं करेंगे, ठीक है। फिर शेख रशीद की झड़प हुई ट्विटर पे, उन्होंने जवाब रिस्पॉन्ड किया मोना सलाही ने। तो ये सूरत हाल है कि फिर इनके अपने लोग जो हैं ये हमारे हलके के जो कॉन्टेस्टेंट थे, क्या नाम है उनका, एजाज अशरफ गिल साहब, जी, असलम गिल साहब, नहीं, ये इनके एपीके, पीटीआई के कैंडिडेट एजाज चौधरी साहब, एजाज नहीं चौधरी साहब, तो वो जी जो उन्होंने वो तो अलीम खान दूसरे को थे खिलाफ सर, वो जाज चौधरी साहब नहीं थे, वो थे जो प्रदोष मार्केट के साथ रहते, चीमा साहब, चट्टा या चीमा साहब। नहीं, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ थे जनरल इलेक्शन, जो अच्छा जनरल इलेक्शन, ये थे जी अच्छा एजाज चौधरी साहब जो जमात अच्छा इस्लामी अभी से आए हैं। जो सेनेटर है, अभी जो सेनेटर है, जी, तो उन्होंने अलीम खान के खिलाफ ट्वीट किया, तो उसके जवाब में जो है शोएब सिद्दीकी साहब जो इनके MPA हैं पीटीआई के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और वो जो है ये दोनों ही जो हैं अहम जो है रुकन है इसके, अहम रहनुमा है,
पीटीआई के, तो ये ट्विटर पे लड़ रहे हैं दूसरे को, वो कह रहे हैं कि शोएब सिद्दीकी ने कहा है कि आपको जो है करप्शन पर निकाला गया जमात इस्लामी से, तो जब आपके अपने लोग आप पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं और आप दुनिया को कह रहे हैं कि दुनिया करप्ट है, और आपके अपने मेंबरान असेंबली जो हैं वो एक दूसरे को करप्ट करार दे रहे हैं, तो ये सूरत हाल है, ये इनके दरमियान जो है शदीद किस्म का इंतशार फैला हुआ है। अब ये अपनी बका के लिए जो है वो ये यूज कर रहे हैं, एक तो रिलीजियस कार्ड यूज कर रहे हैं, फिर ये वेस्टर्न कार्ड यूज कर रहे हैं कि हमें जो है पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, पता नहीं हमने क्या कौन सा कोई ऐसी चीज इजाद कर ली है कि पूरी दुनिया को हमसे जो है इतना खतरा लाहक हो गया कि वो पूरी दुनिया जो है इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है। तो ये सूरत हाल है, तो ये बड़ी खतरनाक है। फिर आप खुद जुनेद अपना अमल दुरुस्त नहीं करते तो फिर आप दूसरों साहब, को मैं मौत एक के इल्जाम पर। और एक आपसे माफी के साथ मैं बात, वो जो एक तारीख का जो हिस्ट्री का एक हिस्सा है उस चीज को मैं लाना चाहता हूँ उसके ऊपर। अब ये देखें जो हालात तो बात क्या जा रहे हैं चल रहे हैं अभी, उससे तो यूं ही लग रहा है ना सुबह गया कि शाम गया, मतलब जो हालात तो बात क्या चल रहा है जो इदारों से वैसे भी होता रहता है, तो आती रहती है अपने इतमाद की तारीखें, कामयाब भी होती हैं नहीं भी कामयाब होती हैं, कभी स्पीकर के खिलाफ भी आ जाती है, कभी किसी वजीर आजम को रिजाइन भी करना पड़ जाता है, कभी किसी को निकाल दिया जाता है, कभी किसी को शहीद कर दिया जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और ये पहले वजीर आजम को भी वही लियाकत बाग में, यानी कि दो वजीर आजम वहां बेचारे तनहा उनको जो किया गया शहर लियाकत अली खान साहब और मोहतरमा को उसी जगह पे एक ही जगह पे और एक ही हॉस्पिटल, ये भी 3 साल बाद। तो मैं आज एक ये थोड़ी सी और तरीक पे लाना चाहता हूँ लोगों के लिए कि जो अकलियत के हमारे जो क्रिश्चियन या हिंदू या दूसरी किसी भी कम्युनिटी से हैं लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इनका भी कोई हिसाब किताब रखें, क्योंकि इनका कभी इंतसाब नहीं होता। ये जब भी इन क्या इनको मिलता है, क्या ये आवाम को देते हैं, क्या ये डिलीवर करते हैं, तो बस मुझे मुझे चंद कोई क्रिसमस पे मुझे एक मिनिस्टर साहब का फोन आया, पीटीआई के मिनिस्टर का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जी आप थोड़ा सा मेरे ऊपर जी हाथ नरम रखें जी ये करें वो। मैंने कहा यार बात यह है, आपसे जो पहले थे वो क्या कर गए जो आप नहीं कर, जो आप करने जा रहे हो, ना उन्होंने कुछ किया ना कुछ आपने किया, और ना आपसे होता है, और ये हमें मालूम है कि क्या इनकी सूरत है, और ये करना भी नहीं चाहते क्योंकि इनको किसी ने वोट तो दिया नहीं होता, ना इनको इस चीज का एहसास होता है कि यार हम एक पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमत करें या कुछ इंसानों की, मुल्क की डेवलपमेंट होती है ना, लोगों की डेवलपमेंट का क्या मतलब है, लोग मुल्क की कंट्री की डेवलपमेंट होती है तरक्की होती है, लेकिन ये उस चीज से ही उस विजन से ही ये फारिग है, क्योंकि ये विजन के बगैर किसी ना कुछ ये है करके आते हैं, ब्लैकमेलिंग कुछ ना कुछ होके आते हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ी लंबी बात है। लेकिन मैं ये आज पूरी दुनिया को इस फोरम पे डीजीए BKK 2020 के ऊपर मैं ये लाना चाहता हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूँ कि अब जब ये हुकूमत जा रही है पीटीआई की, तो जो पीटीआई के अंदर मौजूद है MNAs पार्लियामेंटेरियन है मिनिस्टर है, क्रिश्चनों के नहीं दूसरे भी, इनसे तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब मांगा जाए ना, ये एहतसाब पे यकीन रखती थी गवर्नमेंट, इन्होंने क्या दिया है और इन्होंने क्या डिलीवर किया। ये मैं आज आप मैंने आपका टाइम ले लिया है, लेकिन मैं चाहता था कि ये ना मेरी मेरी बात जो है ना ये रिकॉर्ड पे आ जाए और पूरी दुनिया इसको सुन, मैंने क्या इनका हिसाब किताब जो है वो भी होना चाहिए कि क्या ये कितने सालों से, जब से ये पार्लियामेंट का वजूद हुआ है, जब से सेनेट बना है, जब ये सेनेटर साहब आए हैं क्रिश्चियन और दूसरे हिंदू भी, वो क्या इन्होंने डिलीवर किया, क्या इन्होंने रिसीव किया है और क्या इन्होंने डिलीवर किया, ये होना बहुत जरूरी है। जी जनेब साहब, मेरे दिल पे बोझ था तो मैंने जी, बताया। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। इसमें मैं फिर इमरान खान का ही रेफरेंस दूंगा कि आप इमरान खान जो है ना, वो उनके बारे में जो सबसे अहम जो उनका कहा जाता है कि वो यू टर्न लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी उनका यू टर्न आप बड़ा वाजते नजर आता है कि उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ वो डेवलपमेंट जो है ना फंड्स, वो MPs और MNAs के पास जो है ना डेवलपमेंट फंड्स नहीं होने चाहिए, लोकल बॉडीज के पास होने चाहिए और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये बात पार्लिमानी और तहसील
तकाजों के मुताबिक है, और मैं भी समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट फंड्स हैं ये जिया उल हक के ज़माने में आए, ये एक तरह के ब्राइब भी हो सकती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको ब्राइब होती है MPAs और MNAs का। तो पूरी दुनिया में आप देखें कि लोकल बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सबसे अहम होता है। लोग काउंसलर्स बनना जी चाहते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है और वो उस पर जाते हैं। तो एक तो इमरान खान अपना ये वादा भी पूरा नहीं कर सके लोकल बॉडीज के इलेक्शन से, वो वैसे ही डरते हैं कि उनको पता है कि वो शिकस्त उनको हो जाएगी। अभी KP में भी आपने नतायज देखे जहाँ पर इनकी अपनी हुकूमत थी। तो बिल्कुल इनका एहतसाब होना चाहिए और वो होना चाहिए, और ये भी इसको रिलीजियस कार्ड के तौर पे ना खेलें कि अगर इनका एहतसाब और ये बाहर सैलम लेने चले जाएं, बल्कि जो इन्होंने जो भी इन्होंने वसूल किया है उसका एहतसाब होना चाहिए और वो सामने जी आनी चाहिए चीज़ें। और उनका एहतसाब जो है पार्टीज को भी करना चाहिए, पार्टीज को भी ऐसे लोगों को जो है वो टिकट्स देनी चाहिए जो उनके साथ भी लॉयल हो, अवाम के साथ भी लॉयल हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखती हों, जमहूरी इकदार पे यकीन रखती हों, ना कि ऐसे पैराशूटर्स हों जो के जिनका पॉलिटिकल कैरियर ना हो, सिर्फ फाइनेंस के बुनियाद पे जो इकतदार में और सियासत में आती हैं और सिर्फ इसी के बल बोते पर जो है आगे जाते हैं वो लोग। और फिर जब पार्टी के इकतदार खत्म होता है तो ये लोग भी जो है वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, और उनका कंसर्न जो है वो अवाम भी नहीं होते, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं होती। तो इस तरीके से है, आपको एक पार्टीज के अंदर भी इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनके नज़रियात के ऊपर, इनकी जो है खिदमात के ऊपर नज़र होनी चाहिए। तो इस तरीके से है, ये बड़ा ही अच्छी बात है आपने की, और इस पे मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि एहतसाब सबका बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। लेकिन एहसास ये सबके जो लिए होना ना, और जी क्रॉस द बोर्ड होना जी। जब जी कहते हैं जी क्रॉस द बोर्ड, तो फिर क्या मतलब है उसका? सारा होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये इमरान खान ने जो इंतकाम का तरीकाकार इख्तियार किया है ये नहीं होना चाहिए, जिसमें नैब के हवाले से और बाकी इदारों के हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी उनको उस पे जो है शदीद तनकीद की गई हो, तो वो एक तरफा ना हो। तो इस तरीके से जो है एक बेहतर जो है मुआशरा भी बनता है और तवाज़ुन भी पैदा होता है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है, अकाउंटेबिलिटी का भी इसी से तसव्वुर पैदा होता है। जब ये सब एलिमेंट्स मिलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस के लिए जाने के लिए सारी तो चीज़ें आपको ज़रूरी कैसा हैं। लगता है जुनैद साहब के, कब तक ये जो वहां पे अदम इतमाद का डेट अनाउंस हो जाए, कब तक आप उम्मीद करते हैं? मेरा ख्याल है ये आज मैं देख रहा था 22 को जो है इजलास, अभी मैंने एक पट्टी देखी थी TV पे टिकट, तो 22 को शायद इजलास बुलाया जाएगा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये इसी दौरान जो है ना 22-23 उसके बाद, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद MBS के आने से पहले ही जो है ना मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस के आने से पहले, क्योंकि वो शदीद नापसंद करते हैं हमारे इस वजीर आजम को, ठीक है, क्योंकि जो एक रवैया इन्होंने गैर मुनासिब किस्म का इख्तियार किया, और मुख्तलिफ स्टोरीज हैं आपने भी देखी होंगी घड़ी से लेकर और पता नहीं, और जो जहाज पे ये गए थे और फिर जाके इन्होंने तुर्की और मलेशिया के इन्होंने ब्लॉक बनाने की बात की, तो फिर इनसे सारा जो मामला है, फिर आपने उनकी जो एक अभी शहबाज गिल ने जिस तरीके से गुफ्तगू की, ठीक है, वो देखते ही होंगे कि जिसमें उनको उन्होंने कहा है कि जी सिर्फ इस इमरान खान में ही गैरत मौजूद है, बाकी जो है वो उससे आ रही है। तो ये वो सूरत हाल है। तो इसमें ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 23 से पहले पहले कुछ हो जाए, तो अब देखें किसके आसपास ही होगा। लेकिन ये बहरहाल तय है कि इमरान खान ने जाना ही जाना है, क्योंकि अब यानी सारे ये आप इत्तेहादी समझ रहे, भी यानी आप समझ रहे हैं कि चौधरियों का एक बड़ा शोर था ना, फिर जी वो एक लोग हैं, फिर एक्सपर्ट हैं, फिर सारी हुकूमतों में ही रहे हैं, फिर वो वजीरे आजम भी, नायब वजीरे आजम भी, और जी मतलब जी और आज भी वो स्पीकर के होते, फिर उनकी वफाक में भी इत्तेहादियां, वो तो अभी भी इनका कुछ क्लियर हो तो फिर मेरा ख्याल शायद कुछ ज्यादा। नहीं, उन्होंने उन्होंने एक दो दिन में क्लियर कर देना, लेकिन जो इतलात हैं वो यही हैं कि इत्तेहादियों ने अपना पहले ही जो है बना लिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड ही हैं, और जो है
चीजें इसी तरीके से चलनी है, क्योंकि इमरान खान पे अब कोई एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। और इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि वो इन पे करने के लिए एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं। अभी फंक्शन लीग पे जब वो पीर पगाड़ा साहब, तो वो उन्होंने भी मुलाकात से इनकार कर दिया जब ये कराची गए थे। तो जो अपोजिशन के अपने वोट से 162 है, उनको सिर्फ 10 वोट चाहिए। तो 10 वोट वो अब पीटीआई को, अगर ये इतने ही हो, ये गैरत की बात करते और इस तरीके की बात करते, तो इनको तो वैसे ही छोड़ जाना चाहिए। ये अपने जो मेंबरान है असेंबली के, उन पे प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके मुख्तलिफ गैर जमहूरी जो है टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। तो अगर ये तरीका कार दुरुस्त नहीं, इनको शुरू से ही चाहिए था कि उनको मतलब एक उनको ऑनर देते, इज्जत देते, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से और एक पार्लियामेंट जो तरीका कार है उस तरीके से अगर ये चलते, तो आज इनको ये हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़ती है। अब चौधरी को शायद बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि आप हमारी इस्लामाबाद में मदद कर दें, उसके बाद हम देखेंगे आपको जो है वजीर आला बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं पहले भी मैंने अर्ज की थी कि अब ये वो सलाहियत खो चुके हुए हैं कि ये किसी को वजीर आला बना सके, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी अंदर से टूट फूट चुकी है और इसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो वजूद में आ चुके हैं। सब लोग अब अपने जो है ना नेक्स्ट इलेक्शंस को देख रहे हैं। अब ये चाहे फंड्स दें, चाहे जो मर्जी करें, चाहे वजारतें दें, उनके नज़दीक उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी उनकी अहमियत जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले से, कि उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है, किसके टिकट पर लड़ना है। अब जैसे सिंध में जो है लोग, कराची में जो है वो इनके लोग, सिर्फ पीटीआई कराची में से जीती है और कराची में ही है, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे अब इंतखाबात लड़ना चाहते हैं उनके लोग, और इनकी पार्टी वहां पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर नून लीग के वो टिकट की अहमियत है पंजाब में, पीपल्स पार्टी भी गेन कर रही है कुछ पोजीशन, तो साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। तो इस तरीके से अब जो इत्तेहादी तो हैं, लेकिन जो इनके अपने पीटीआई के लोग हैं वो नेक्स्ट इलेक्शंस को नजर में रखकर वो अपनी सियासत कर रहे हैं और करेंगे। तो इमरान खान के लिए अब कोई अच्छी खबर नहीं है इस सारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच जुनेद साहब, आपने टाइम दिया और आज बहुत ही आपने अहम इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ, पाकिस्तानियों के जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, लोग समझते हैं पूरी दुनिया में, वहां तक एक अच्छी खबर जाएगी। और जो कुछ आपने कहा है, मैं यकीन रखता हूँ कि वहां बड़ी जल्द खुशखबरी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। और डीजीए पीकेके में परवेज रोशन आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को डीजीए पीकेके 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, और जो कुछ जुनेद साहब ने कहा है इनके ऊपर जरूर कुछ लिखें, कुछ मालूमात दें और कुछ इनको अप्रिशिएट करें, जो ये हमारे साथ मालूमात शेयर कर रहे हैं वो किस हद तक सच्चाई पर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके।